सत्तवीं क्लास के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। असं टॉपिक करते पे हैं समिति समिट्री। इहदा नैक्सट पार्ट अभ्यास हैगी है 14.3। इहदे विच असी पढ़ांगे एंगल ऑफ रोटेशन बारे, यानी कि घूमन का कोण, घूमदी समिति जिहड़ी रोटेशनल समिट्री उहदे बारे मैं तुहानूं पिछली वीडियो में दस्सिया सीगा की हुंदी है। हुण घूमन का कोण, ठीक है, ये साडे को क्वेश्चन है। इहदे विच कुछ सानू आकार फिगर्स गिवन ने। सब तो पहला जिस तरह वर्ग है, यदा पता करना घूमन का केंद्र, घूमन का केंद्र मतलब सेंटर ऑफ द रोटेशन, केड़े पॉइंट दे अबाउट रोटेट हुंदी है, क्रम यानी कि ऑर्डर, तो फिर घूमन का कोण। ठीक है, हुण सब तो पहला साडे को है वर्ग, ऐ वर्ग मैं इस तरह बनाया, ठीक है, नू मैं इन्हों एक प्रकार से, ठीक है, जी नीडल होंगी है उद्दे मैं दोवानू रख लिया, एक नू मैं फिक्स रखांगा तो दूजे नू घुमावांगा, ठीक है, ऐ क्लीयर, एक नू मैं फिक्स रख लिया दूजे नू घुमाउणा आ। हुण असीं ये देखना आ कि ये जिहड़ा आ वर्ग, पहला तो इहदा क्रम की है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री इहदी की है। मैं निशान लाया तो की दस्या सीगा, पूरा 360 ते घुमाउण ते, यानी कि 360 डिग्री यानी कि एक कंप्लीट चक्कर घुमाउण ते वर्ग किन्नी वारी अपनी ओरिजिनल शेप विच आ जांदा। ठीक है, तो इत्थों मैं शुरू किया एक, ठीक है, एक वारी आ गया, दो, तीन ते चार, इहदा मतलब पूरा एक चक्कर इन्हें जो वर्ग ने कढ़िया 360 डिग्री ते घूमया, तो यह चार वारी अपनी ओरिजिनल शेप विच आया, तो यदा क्रम किन्ना होएगा, चार होएगा। हुण घूमन का केंद्र, घूमन का केंद्र भी आया जिहड़ा घूमदा पिया वर्ग, इहदा केंद्र की है, यह है तो यह की है जिथे ये विकर्ण मिलते हैं। ठीक है, की लिखा घूमन का केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन की है, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ डायगनल, ठीक है, यानी कि जिथे विकर्ण मिलते हैं, जो मिलते हैं, ठीक है, एक घूमन का केंद्र आ गया। हुण घूमन का कोण, घूमन का कोण का मतलब की है, इत्थों मैं शुरू किया, ये जो पहली बारी अपनी पोजिशन पर आया तो यह किन्ने डिग्री तक घूमया, किन्ने एंगल तक घूमया, देखो पहला आ जरा डायगनल इधर नू निशान, ठीक है, इस पॉइंट के बोर्ड घूमता पाया, तो जो पहली बारी अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आएगा तो किन्ना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, ओबियसली 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा। इहदा मतलब वर्ग का जिहड़ा घूमन का कोण है, एंगल ऑफ रोटेशन है, वह किन्ना है, 90 डिग्री। इहदा एक होर तरीका भी है सिंपल फाइंड करन वास्ते एंगल ऑफ रोटेशन, जिन्ना इहदा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री है, 360 नूं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री नाल भाग कर दो, तो 360 नूं जे मैं 4 नाल भाग करांगा तो किन्ना आएगा साढ़े को, 90 आएगा। क्लीयर, एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना हो करना है 360 बटा किन्ना भाग करना 360 नूं, जिन्ना इहदा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री है। तो घूमन का कोण तुहानूं मैं दसदा की हुंदा है, कि हुंदा जो इत्थे पहला ओरिजिनल पोजिशन च, फिर जो इहनूं घुमाना शुरू किया, मतलब यह किन्ने एंगल बना के ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन च हुंदा, ठीक है, इत्थों मैं शुरू किया इत्थे आ गया, तो किन्ना एंगल बनाया, किन्ने एंगल ते घूमया कि दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप विच आ गया, 90 डिग्री ते। क्लीयर, हुण नैक्सट है साडे को आयत, यानी कि रैक्टेंगल। हुण आयत ए है, ठीक है, ये भी मैं दो बनाईया है, एको जिक्कियां, ताकि एक नूं मैं फिक्स रखांगा, उत्थों पता लग सकेगा कि अपनी ओरिजिनल पोजिशन ते आया कि नहीं आया। ठीक है, यह दूसरा, हुण मैं इहनूं घुमावांगा, इहनूं मैं पिछले बैक वाले नूं फिक्स रख लिया, मैं निशान लाया, पूरा 360 ते घूम जाएगा, किस तरह पता लगा, ए निशान इत्थे है, दोवें निशान कोइनसाइड करदे पे, ठीक है, जो घूम के फिर ये निशान इत्थे आ जाएगा, तो देखते एक कंप्लीट रोटेशन विच किन्ना किन्नी वारी अपनी ओरिजिनल फॉर्म च हुंदा, इत्थे जो आ गया अजे नहीं आया। ठीक है, एक एक वारी आया ते दो वारी, वर्ग
पूरा एक चक्कर लाने ते वर्ग चार वारी अपनी फॉर्म चाहे ये दो वारी आ रहा देखो एक ते दो इहदा मतलब इहदा क्रम किन्ना आ साडे को ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री किन्ना है दो ते घूमन का केंद्र वह फिर उही होएगा जिथे दोवें विकर्ण मिलते पे ने ते हुण इहदा जिहड़ा साडे को कोण आ केंद्र ते कोण वह किन्ना बनेगा की फॉर्मूला दस्या सीगा किस तरह कढ़ना 360 बटा जिन्नी इहदी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री तो दो आया यानी कि 180 डिग्री क्लीयर ये 180 डिग्री ते घूम के फिर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है क्लीयर। नैक्सट है साढ़े को सम चतुर्भुज यानी कि रंबस ते रंबस तुहानू पता की हुंदा है जिहदी वो वाला चतुर्भुज जिहदी सारियां भुजावां बराबर हुंदियां ने ठीक है ए रंबस इहदे विच ते वर्ग विच फर्क की है देखो वर्ग विच भी सारियां भुजावां बराबर इहदे विच भी बट इहदे विच सारे कोण 90 दे है हर एक भुजा आपस लंब है परपेंडिकुलर इहदे विच 90 दे नहीं बस ये फर्क है ठीक है ते इहनू भी जदों पहलां एक रंबस मैं आ रख लिया दूसरा इहदे उत्ते जिहनू मैं घुमाउणा है ठीक है हुण इत्थे है क्लीयर दोवें रंबस इस तरह कोइनसाइड करदे पे इहनू मैं घुमाउणा शुरू कीता ए नहीं आया अपनी फॉर्म च इत्थे आ गया ठीक है इत्थे शुरू किया देखो फिर दोबारा इत्थे शुरू किया नहीं ना आ रहा अपनी ओरिजिनल शेप च अजे भी नहीं आ रहा इत्थे आ गया मतलब एक वारी हो गया तो फिर दो क्लीयर इहदा भी जिहड़ा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री किन्ना है दो है तो जिहड़ा घूमन दा केंद्र सेंटर ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ वो किहड़ा होएगा फिर जिथे विकर्ण कटते हैं आपो च तो एंगल यदा भी उही होएगा क्योंकि ऑर्डर सेम है रैक्टेंगल वाला है तो एंगल ऑफ रोटेशन घूमन का कौन 360 बटा दो यानी कि 180 डिग्री ही होएगा क्लीयर। नैक्सट आ गया साढ़े को सम चतुर्भुज हम समभुजी त्रिभुज यानी कि इक्वलेटरल ट्रायंगल तो की हुंदा इक्वलेटरल ट्रायंगल जिहदियां वो वाला त्रिभुज जी सारियां भुजावां बराबर हो ठीक है ऐ जिस तरह तुहानूं मैं पिछली एक्सरसाइज विच भी दस्या सीगा बना के क्लीयर। हुण इहनू पहले इहदा ऑर्डर चैक करते हैं प्रीवियस जिहड़ी एक्सरसाइज कीती उस च भी कीता सीगा ए इत्थों मैं घुमाउणा शुरू कीता एक दो तीन यानी कि तीन वारी ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म च आ रहा तो यानी कि इहदा जिहड़ा है क्रम किन्ना होएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन रोटेशनल समिट्री तीन। हुण घूमन दा केंद्र इहदा घूमन दा केंद्र ए है तो ये की है जिथे इन्हां दे मीडियंस मीट करते हैं ठीक है जिस तरह स्केयर रैक्टेंगल रोंबस इन्हां दा घूमन दा केंद्र की जिथे विकर्ण मिलते डायगनल्स मीट करते इन्हां दा घूमन दा केंद्र जिथे मीडियंस मीट करते ठीक है पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ मीडियम मीडियम ही पंजाबी कह लेने मध्यिकावां यानी कि जिथे मध्यिकावां मिलदियां हन ठीक है इनू असी कह लैने सेंट्रोइड की कह लैने इनू असी सेंट्रोइड मीडियंस की हुंदा है मीडियन वो हुंदा है जदों मैं किसी भुजा दे मध्य बिंदु नू सामने वाले सिखर ना मिलादा वो मीडियन हो जाता इस तरह तीन मीडियन तो जिथे मीडियन मिलते हैं उन्होंने सेंट्रॉइड कहते हैं तो घूमन का केंद्र यदा होएगा सेंट्रॉइड ठीक है। हुण घूमन का कोण भी किस कोण ते घूमते पई है इत्थे पहला किन्ने कोण ते घूम के फिर वापस ओरिजिनल पोजिशन ते आए तो यह कोण बनेगा ठीक है इत्थे ही पहला फिर इधर आया तो उही अपने आ गया ओरिजिनल फॉर्म से तो यह किन्ने का कोण है ये तुसीं देखोगे 120 डिग्री का कोण होएगा ठीक है क्यों 120 फिर उही 360 बटा जिन्ना इहदा ऑर्डर है ऑर्डर तीन है तो 120 डिग्री इहदा जिहड़ा है घूमन दा कोण यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन है क्लीयर। नैक्सट आ गया साडे को सम छेपुजी यानी कि रेगुलर हैक्सागन हुण सम छेपुजी की हुंदा है ये भी तुहानूं पता है वो वाला बहुपुज जिहदियां छे भुजावां होण ते जे छे दे छे भुजावां बराबर होण उहनूं असीं कहिंदे आ सम छेपुजी यानी कि रेगुलर हैक्सागन है। इस तरह मैं दो फिर बनाए एक नू फिक्स रखांगा एक नू घुमावांगा लो जी
सम शेप शेप जमें एक दो तीन चार पाँच तो छे। हुण इत्थों मैं शुरू करदा, पहले इहदा ऑर्डर देखते हैं किन्नी वारी इह दुबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन आउंदा। इत्थों घुमाउणा शुरू कीता, एक दो तीन चार पाँच तो छे, यानी कि इहदा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री हो गया छे हो गया। घूमन का केंद्र कहड़ा, सेंटर ऑफ रोटेशन उही है जिथे डायगनल्स मीट कर रहे हैं, यानी कि जिथे विकरण मिलते हैं, ठीक है। उही आया ना सेम रैक्टेंगल स्केयर वाला। हुण घूमन का कोण इत्थे सीगा, इत्थों घुमाया किन्ने एंगल ते घूम के फिर वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म च आया, ऐ वाला एंगल। तो ये किन्ने का है, 60 डिग्री का होएगा। किस तरह, 360 बटा जो भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है छे। तो यदा जरा एंगल ऑफ रोटेशनल समिट्री है यानी कि घूमन का कोण है, वह किन्ना है 60 डिग्री। क्लीयर। नैक्सट आ गया साढ़े को चक्कर। हूँ ए चक्कर यदा सेंटर है, ठीक है। हूँ देखो चक्कर च इनू जिस तरह मर्जी घुमाओ, माड़ा जहा भी घुमाओ, इन्हें अपनी उही शेप रखनी है, ठीक है। थोड़ा जहा भी घुमाने नाल इन्हें शेप उही रहनी, बदलनी नहीं है। जिस तरह सम छे भुजी नूं जदों अं पूरा एक चक्कर ते घुमाने सीगे, वह छे वारी अपनी ओरिजिनल फॉर्म च आंदा सीगा। इनू माड़ा जहा भी घुमाओ 0.001 डिग्री एंगल ते, तां वी ये शेप दी उही रहनी, यानी कि इहदा जिहड़ा आ क्रम ऑर्डर ऑफ समिट्री जिहड़ा रोटेशनल समिट्री, वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत। जिस तरह इहदा छे इहदा तीन पी सम छे पी, एक बार घुमावा छे वारी अपनी ओरिजिनल फॉर्म च आएगा। जिहड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल तीन वारी आएगा, रंबस दो वारी आएगा, ये इनफाइनाइट वारी अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आएगा। मतलब जिस तरह मर्जी घुमाई जाओ, इन्हें अपनी पोजिशन यदी ओरिजिनल फॉर्म यदी शेप बदलनी नहीं। क्लीयर। तो इस करके यदा जड़ा आ साडे को ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री किन्ना है, इनफिनिटी। तो किहड़े घूमन का केंद्र कहड़ा है, घूमन का केंद्र यदा चक्कर का अपना केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। चक्कर का केंद्र। हुण एंगल ऑफ रोटेशन घूमन का कोण, वह तुहानूं दस्सिया है माड़ा जिहा भी घुमाता एक डिग्री तो भी घट, 0.001 डिग्री, यानी कि यदा जरा घूमन का कोट कौन है, जीरो नूं अप्रोच करेगा। तो इत्थे की फॉर्मूला, 360 बटा जो भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री होगा। हुण इत्थे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री इनफिनिटी है, क्लीयर। तो जीरो डिग्री आएगा, क्लीयर, ठीक है। मतलब यदा घूमन का जरा कोण है वह जीरो नूं अप्रोच करन दिया। नैक्सट आ गया अर्धचक्कर। हुण अर्धचक्कर तुहानूं पता है यानी कि सैमी सर्कल। हुण यह है सैमी सर्कल साढ़े को, ठीक है। ये भी मैं दो इस तरह बनाए हैं, एक नूं मैं इत्थे फिक्स कर लिया, दूसरे नूं इहदे उत्ते ला दिंदा। ओ, ठीक है। हुण एक नूं मैं इत्थे इधर रखा, ये भी देखांगे भी एक बार कंप्लीट चक्कर ते जदों घूमेगा। आ मैं निशान लाता, ठीक है, भी दोबारा इत्थे होना चाहिए। इत्थों मैं घुमाना शुरू करना, जदों आ जरा निशान है दोबारा घूम के इत्थे आएगा, वो एक चक्कर होएगा। तो एक चक्कर दौरान देखांगे वापस इस शेप विच किन्नी वारी आउंदा, ठीक है। इत्थों घुमाना शुरू किया, नहीं आया, ए लो जी। मतलब इनू एक चक्कर विच सिर्फ इक्को वारी अपनी ओरिजिनल फॉर्म च आया। तो इहदा फिर ऑर्डर ऑफ जिहड़ा रोटेशनल समिट्री है घूमन दे सम क्रम किन्ना है, साढ़े को एक है। तो घूमन का केंद्र एक्सिस किहड़े पॉइंट ते घूम रहा, सेंटर ते घूम रहा, उही आया ना चक्कर का। इत्थे असीं लिखांगे अर्ध चक्कर का केंद्र, ठीक है। अर्ध चक्कर का केंद्र उही हुंदा है जो पूरे चक्कर का केंद्र हुंदा है। अर्ध चक्कर का केंद्र यानी कि एंगल ऑफ सैमी सर्कल।
तो जोड़ा कौन है घूमन का कौन वो 360 डिग्री होएगा, यानी कि 360 बटा ऑर्डर ऑर्डर एक है 360 डिग्री ही होएगा। क्लीयर पे इको वारी आएगा इतों घूमया 360 डिग्री ते जाके मतलब एक पूरे चक्कर कट के ही इन्हें फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना है, रस्ते विच एक बारी भी ये दोबारा उही शेप नहीं लेगा। क्लीयर इसे कुछ फिगर्स जिन्हें मैं तुम्हें एंगल ऑफ रोटेशन दसे है समझाए हैं इतों तुम्हें पता लगा ऑर्डर तुम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल समिट्री की होंगी है। ठीक है एक तुम्हें पता लगा सेंटर ऑफ रोटेशनल समिट्री तो एंगल ऑफ रोटेशनल समिट्री। क्लीयर एक तुहाडी एक्सरसाइज में प्रश्न है वो गल करता पै भी कोई साढ़े को जिस तरह सम शेप हुई है वह हूँ तुम घूमन का कोण पता किया सम शेप हुई तो घूमन का कोण कि रेगूलर हैक्सागन का 60 डिग्री तो वह कह रहा है कि 60 डिग्री घूमन का कोण मतलब की हो गया ये जो एक चक्कर क्ढेगा तो 60 डिग्री तो घूमन तो बाद हर एक 60 डिग्री तो घूमन तो बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। क्लीयर हर एक 60 डिग्री तो घूमन तो बाद इस तरह आया एक साढ़े को सम शेप हुई है। ठीक है इतने से 60 डिग्री तो घूमया अपनी ओरिजिनल फॉर्म च आ गया फिर 60 डिग्री तो घूमया अपनी ओरिजिनल फॉर्म च आ गया तो इस क्वेश्चन में कह रहा हो ये तुहाडा प्रश्न नंबर हैगा आ पंजवां सॉरी छेवां प्रश्न है किसी चित्र नूं उसके केंद्र के दुआले 60 डिग्री के कोण उपर घुमाउण ते वह आरंभिक स्थिति विच दिखाई दिंदा है किसी भी चित्र की गल करदा है वह फिगर रेगूलर हैक्सागन कहिंदा जदों असीं उहनूं 60 डिग्री ते घुमाउंदे आ वह अपनी ओरिजिनल शेप विच आरंभिक जिहड़ा आकार है उहदे विच आरंभिक स्थिति वर्गा दिसदा है। इस चित्र दे लई अजिहे होर किहड़े कोण भी हो सकदे हन एक तो 60 डिग्री तो घूमन तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया दूसरा कहिंदा 60 तो इलावा होर किहड़े कोण ते घूमे कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म च आ जाए तो वो कोण किहड़े किहड़े होए एक 60 तो हो गया दूसरा देखो जे 120 तो घुमावांगा 60 तो 60 120 तो भी ओरिजिनल फॉर्म च आ गया। ठीक है फिर 60 तो 60 180 तो भी ओरिजिनल फॉर्म च आ गया फिर 60 जमा 60 जमा 60 240 तो भी 300 डिग्री तो जे घूमेगा 300 डिग्री तो घूमन का मतलब इतों शुरू किया इतने आ गया साढ़े को 300 डिग्री पर। ठीक है यह जरा रिफ्लैक्स एंगल यानी कि 60 डिग्री तो इलावा होर किहड़े कोण है जिन्हें जिन्हों वास्ते रेगूलर हैक्सागन दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म चाहेगा वो किहड़े ने 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री तो घूमेगा तो भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म च ही आएगा देखो इतों तक 120। ठीक है फिर 180 डिग्री तो घूमन नाल भी 240। ठीक है तो फिर 300 डिग्री तो 360 डिग्री 360 डिग्री तो आना ही आना क्योंकि 360 डिग्री तो एक पूरा कंप्लीट चक्कर हो जाता। क्लीयर ये सी तुहाडी अभ्यास 14.3 ये असी सेंटर ऑफ रोटेशनल समिट्री तो एंगल ऑफ रोटेशनल समिट्री पढ़िया उम्मीद है तुहानू सारयां नू समझ आई होएगी। धन्यवाद सारयां दा।